Assalamu alaikum. Very good morning to everyone. Welcome to Raja Vakas YouTube channel. कैसे हैं आप सब? I hope आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपने दिन को enjoy कर रहे होंगे. आज 15th of May 2024 और Wednesday. It's a beautiful day. कुछ बादल आप देख सकते हैं. ये बादल इसी तरह से जो है ना वो आते जाते रहते हैं. इस वक्त काले बादल नज़र आ रहे हैं. थोड़ी देर बाद बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धूप हो जाएगी. मैं अभी तक लंदन में ही हूँ और यह आपको एक क्रिकेट ग्राउंड दिखाने आ रहा हूँ. ये एक बड़ी ज़बरदस्त क्रिकेट ग्राउंड है और इसके बाद आगे चलते हैं. बेसिकली वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी तो मैं इसको यहाँ पर स्टॉप करूँगा. आगे मैं जो आपको लेकर जा रहा हूँ जिस तरफ, वहाँ पर फिर ज़बरदस्त सी दो और लेक्स हैं और एक ख़ूबसूरत सा छोटा सा गार्डन है. वो मैं गार्डन आपको दिखाना चाहता हूँ कि बहुत ही ज़बरदस्त से उसमें फूल लगे हुए हैं और बहुत ख़ूबसूरत दिखाई देता है. और वहाँ ले जाके मैं फिर अपनी वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ. ये यहाँ पे एक टेनिस कोर्ट भी है जहाँ पे लोग टेनिस खेल सकते हैं. तकरीबन जो मुझे नज़र आ रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 अराउंड 6 टेनिस कोर्ट्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे लोग टेनिस आके खेल सकते हैं. और इट्स जस्ट अ नॉर्मल पार्क. दरख्त देखिए किस कदर खूबसूरत है. और यहाँ पे फिर एक और ग्राउंड है, ये भी यकीनन बच्चों के खेलने के लिए. और यहाँ का कौवा देखिए. ओके, आप हर तरफ देख रहे होंगे कि काफ़ी सन्नाटा सा है. चूँकि सुबह का वक्त है और वर्किंग डे है आज वेंसडे, तो लोग आपको इस वक्त यहाँ पे नज़र नहीं आते. और सो इसलिए आपको यहाँ पे कोई ज़्यादा लोग नज़र नहीं आ रहे. लेकिन एटलीस्ट आप हम सब इसी चीज़ को अप्रिशिएट ज़रूर कर सकते हैं कि इन पार्क्स में आपको किस कदर सफाई नज़र आ रही है. और ये सफाई की दो वजूहत हैं. एक तो यहाँ के जो गवर्नमेंट या लोकल काउंसिल है वो इन जगहों को, इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरा रखती है. इन एरियाज़ का साफ़ सुथरा रखने के लिए उन्होंने बाकायदा स्टाफ रखा हुआ है जो कि इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ये जगह जो हैं साफ़ सुथरी रहें और इसमें किसी तरह का गंद ना हो. और सेकेंडली फिर यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो भी इस बात का ख्याल रखते हैं. और ये नेचुरली ऐसा होता है, जब आप किसी साफ़ जगह को देखते हैं तो आपको दिल नहीं चाहता कि आप उसको गंदा करें और किसी भी तरह से. और यही वजह कि आपको हर जगह यहाँ पे बड़ी अच्छी साफ़ सुथरी नज़र आती है. सो और इन पार्क्स में जो आपको दरख्त नज़र आ रहे हैं वो आपको देखने से ही अंदाज़ा हो रहा होगा कि दे आर नॉट न्यू. शायद कि बहुत बहुत पुराने दरख्त हैं इसमें और बहुत बड़े बड़े दरख्त हैं. और फिर साथ साथ में ऐसा नहीं है कि जब एक पार्क बन गया उसमें जो दरख्त लगा दिए वो बस ख़त्म हो जाए. प्लांटेशन साथ साथ इनकी चलती रहती है. और ऑब्वियसली कुछ दरख्त ऐसे भी होते हैं जो कि वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाते हैं उनकी. जैसे एक ये दरख्त मैं देख सकता हूँ, ये देखिए, ये बहुत ही कोई पुराना दरख्त है जो कि अब ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है. सो अब ऐसे नहीं कि इन्होंने इस दरख्त को काट दिया, इस दरख्त को इन्होंने इसी तरह से रखा है. और मज़ीद भी प्लांटेशन साथ साथ ये होती जा रही है. ये देखिए, और अब हम होपफुली उस एरिया की तरफ जा रहे हैं. ये भी आपने देखा, ये यहाँ का चूहा था. चूहे भी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े होते हैं. सो और फिर एक और ग्राउंड. ये हम एक ही पार्क में, लेकिन चूंकि बहुत बड़ा पार्क है तो इसमें ग्राउंड्स ही ग्राउंड्स हैं. तो अक्सर ये जो लोगों के जहन में ख्याल आता है ना कि यहाँ पे मौसम इतना अच्छा क्यों होता है, तो ये ग्रीनरी है इस अच्छे मौसम की वजह जो है. ये लोग ग्रीनरी का ख्याल रखते हैं. और जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कम अज़ कम 200 साल पुराना पार्क है. यकीनन वक्त के साथ साथ इसमें बेहतरी लाई गई होगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सी प्लांटेशन की गई होगी. लेकिन आपको बताने और आपसे शेयर करने का मकसद ये है कि थोड़ी देर के लिए हम ज़रा अपने मुल्क की तरफ अगर नज़र डालें तो हमारे मुल्क में तो
जहाँ पे घास लगा होता है, जहाँ पे दरख्त लगे हुए होते हैं, जहाँ पे फसलें लगी हुई होती हैं, उस एरिया को हम ख़त्म करके उखाड़ के और उस एरिया को हम बना देते हैं एक हाउसिंग सोसाइटी। तो क्या ये ठीक है? यकीनन उनकी नज़र में बिल्कुल ठीक है, जो कि सिर्फ पैसा बनाना चाहते हैं और उनकी जो सोच है वो सिर्फ कुछ सालों तक महदूद है कि जब तक उनके पास ओहदा है वो इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर लें और इस ओहदे का भरपूर फ़ायदा उठा लें। लेकिन शायद किसी वजह से उनके दिल में, उनके जहन में ये ख्याल बिल्कुल नहीं आता कि ये दुनिया, ये ज़िंदगी जो है ये उनकी ख़त्म हो जानी है, उनका ये ओहदा हमेशा नहीं रहना। लेकिन जो सबसे वर्स्ट चीज़ है, आने वाली जो जनरेशन है उनके बारे में क्या ख्याल रखेगी, क्या सोच रखेगी कि ये थे हमारे बुज़ुर्ग, ये थे हमारे मुल्क के वो लोग जिन्हें बज़ाहिर तो हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहिए था, लेकिन वो सिर्फ ये करके चले गए कि हमारी ज़रई ज़मीनों को बंजर बना के, उन पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बना के सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वो इस मुल्क से चले गए। आई अंडरस्टैंड मुल्क की आबादी बढ़ रही है, बहुत सी मुल्क को जो है नई आबादियों की ज़रूरत है, लेकिन आपको क्या ये लगता है कि इसका वाहिद तरीक़ेकार है, ये वाहिद इसका हल है कि इन आबादियों को, आबादी के इस मसले को सिर्फ इसी तरह से हल किया जा सकता है कि ज़रूरी ज़मीनों को आप ख़त्म करके वहाँ पे हाउसिंग सोसाइटीज़ बना दें? आई डोंट थिंक सो। आप किसी अगर फिफ्थ क्लास के बच्चे से भी ये क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद वो भी इसकी इनकार करेगा इससे कि ये गलत है और ये बज़ाहिर सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ऐसा किया जा रहा है, जो कि इंतहाई अफसोसनाक बात है। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे आपका कंट्रोल नहीं होता, आप सिर्फ़ और सिर्फ जिसे कहते हैं ना कि सिर्फ कह सकते हैं, आपके दिल में जो होता है वो आप शेयर कर सकते हैं, और वो भी शायद बाज़ औक़ात आपको मौका नहीं दिया जाता आपकी वीडियोज़ को ब्लॉक करके, आपको डिलीट करके, या आपको किसी भी तरह का और नुकसान पहुँचा के। तो बहरहाल नेवर माइंड, हम पहुँच चुके हैं उस लेक पर जो मैं आपको दिखाना चाह रहा था। खूबसूरती देखिए, और ये यहाँ पे डिफरेंट बर्ड्स हैं जो कि इस लेक में हैं। ये यहाँ के काउंसिल, लोकल काउंसिल लैंडन बोरो ऑफ रेडब्रिज, और ये हैं जो बर्ड्स आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बर्ड्स आपको सारे के सारे यहाँ पे नज़र आएंगे। और जैसे मैंने पहले कहा कि इन बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, यहाँ पे सभी इनका ख्याल रखते हैं। अगर आप किसी भी वक्त में आएँ आप देखेंगे कि बहुत से लोग आकर इनको फीड करवा रहे होते हैं, इनका ख्याल रख रहे होते हैं और भरपूर तरीके से इनकी जो भी खिदमत होती है वो कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे मुल्क में इस तरह की चीज़ें बहुत कम होती हैं, शायद कि हम लोग मतलब यू नो टू बी ऑनेस्ट, मैं इन परिंदों को देख के ये सोचता हूँ कि ये वही परिंदे जो हमारी तरफ होते हैं, इनमें और हमारे परिंदों में कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल वैसे ही होते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये है कि इनके अंदर इंसानों का कोई डर नहीं है, ये इंसानों से डरते नहीं हैं, इंसानों से प्यार करते हैं। और जबकि हमारे यहाँ हमारे जो चरिंद परिंद हैं, जानवर हैं, वो सब डरते हैं इंसानों से, उन्हें डर लगता है कि शायद ये हमें पकड़ लेंगे। और यही वजह है कि हमारे अगर मुल्क में परिंदों का हाल देखें तो हमारे मुल्क में जो ग्रीन पैरट्स बहुत ज़्यादा हर तरफ हमें दिखाई दिया करते थे, वो हमें नज़र नहीं आते, उसकी और कोई वजह नहीं है, वो कोई दूसरा मुल्क उन्हें लेकर नहीं चला गया, हमारे मुल्क के ही कुछ सेहतमंद लोगों ने उन परिंदों को पकड़ के और बेचना शुरू कर दिया और उन्हें वो सेल कर दिया, दैट्स इट। सो इसलिए वो परिंदे अब आपको नज़र नहीं आते। आई विश के एक दिन ये चीज़ें जो है हमारे मुल्क में भी इनकी समझ बढ़ जाएगी और हम भी परिंदों का इस तरह से ख्याल रखेंगे, फिर हम ये उम्मीद भी रख सकते हैं कि इन परिंदों का जो है वो ख्याल रखा जाएगा और चीज़ें होंगी जब हमें ख़ुद इस चीज़ का ख्याल होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं किसी ज़ू में हूँ तो ऐसा हरगिज़ नहीं है, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उसी पार्क में हूँ, उसी एक पार्क में। और ये जो वीडियो पूरी आपने देखी ये सिर्फ़ एक पार्क की है, और अंदाज़ा कीजिए कि किस कदर ख़ूबसूरत पार्क है यहाँ के, फूलों से भरे हुए। और ओके, ये दरख्त देखिए,
लेट मी शो यू दिस ट्री, बहुत ही खूबसूरत और बहुत उम्र रसीदा दरख्त नज़र आ रहा है। इसके तने से पता चल रहा है कि मुझे अब इस तरह से आइडिया बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मैं इजीली कह सकता हूँ कि कम से कम ये 150-200 साल पुराना दरख्त लग रहा है बज़ाहिर। इसका जो तना है जिस तरह से, और माशाल्लाह बहुत हेल्दी, शायद के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ट्री इन दिस पार्क। हर दरख्त ही अपनी जगह पे बहुत खूबसूरत है, और ये फिर मैं जो लेक आपको दिखाने लाया था, इट्स ऑलमोस्ट ओवर। यहाँ से मैं एक और इसका व्यू आपको इस तरफ से दिखा दूँ ताकि आप देख सकें। देखें आपको जगह जगह गुलहरी नज़र आते हैं खेलते हुए। ओके इस इलाके में, इस जगह में इन परिंदों का राज है। ये प्राउडली कह सकते हैं कि ये हमारी जगह है और हमें कोई तंग नहीं करता यहाँ पे। और शायद के अगर देखा जाए ना, तो हमारा मज़हब भी, अगर हम अपने मज़हब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो वो भी हमें यही चीज़ सिखाता है कि हमें इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, चरिंद परिंद का। तो हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें हमें अपने करीब नहीं आने देती, क्योंकि वो हमसे डरती हैं कि शायद हम उन्हें मार देंगे, हम उन्हें तकलीफ़ पहुँचाएँगे। और यकीनन ऐसी बात है, हम उन्हें तकलीफ़ पहुंचाते हैं जिसकी वजह से वो हमारे करीब आने से डरते हैं। तो बस फिर हम ये किसी तरह से उम्मीद नहीं कर सकते कि हमारे मुल्क में ऐसी चीज़ें क्यों नहीं हैं। उसकी वजह हम हैं, और जब हम बदलेंगे हमारी चीज़ें बदल जाएंगी। जब हम अच्छे लोग बन जाएंगे, ऑनेस्ट लोग बन जाएंगे, और ऐसे लोग बन जाएंगे जिनकी ज़ात से किसी दूसरे इंसान या जानवर को तकलीफ़ ना पहुँचे, तो फिर हमें भी इस तरह की खूबसूरती देखने को अपने इर्द गिर्द ज़रूर मिलेगी। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, खुश रहिए, विश यू अ वेरी नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।